लाखों साल पहले ये धरती हमारी नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही सुंदर और भयानक विशालकाय हिंसक जानवरों से भरी पड़ी थी। हम डायनासोर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक जानवरों की। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के भाग दो में और भी दिलचस्प प्रागैतिहासिक जानवरों के बारे में नई नई और अद्भुत जानकारी। जायंट ग्राउंड स्लॉथ। दोस्तों, आज पाए जाने वाले स्लॉथ को तो आपने जरूर देखा होगा, जो कि अपने आलसी स्वभाव और धीमी गति से हिलने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अतीत में इन स्लॉथ की ऐसी प्रजाति धरती पर पाई जाती थी जो लगभग हाथी के आकार जितनी विशाल होती थी। इन स्लॉथ को जायंट ग्राउंड स्लॉथ या मेगाथेरियम भी कहा जाता है, जो लगभग 20 फीट लंबे होते थे और इनका वजन 2 से 3 टन तक हुआ करता था। ये आज से लगभग 60 लाख साल से 10 लाख साल पहले प्लियोसीन और प्लेस्टोसीन पीरियड में पाए जाते थे। इसके पहले जीवाश्म अवशेष को 1788 में अर्जेंटीना में खोजा गया था। इसके बाद 1796 में फ्रेंच जीवशास्त्री जॉर्जिस गोए ने इसको इसका नाम दिया मेगाथेरियम, जिसका मतलब होता है बड़ा जानवर। ये एक शाकाहारी जानवर था। इनके नुकीले पंजे लगभग 1 फीट के हुआ करते थे। इन लंबे पंजों का इस्तेमाल ये पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों को अपनी ओर खींचने के लिए किया करते थे, या फिर ये पूरे पेड़ को ही उखाड़ने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करते थे। हिमयुग शुरू हो जाने के बाद खाने की कमी और मानव द्वारा ज्यादा शिकार ने इन्हें हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया। मेगालोसोरस, जिसे आयरिश एल्क या जायंट एल्क के नाम से भी जाना जाता है, ये आज के पहाड़ी हिरण का एक प्राचीन रिश्तेदार था, जो अपने विशाल आकार और सिंगों के कारण लोगों में आश्चर्य का विषय रहा है। ये हिरण लगभग 20 लाख साल से लेकर 10,000 साल तक धरती पर रहे। इसके पहले फॉसिल को 18वीं शताब्दी में जॉन फ्रिडरिच द्वारा खोजा गया था और कुछ वर्षों बाद इसका नाम रखा गया था जायंट हॉर्न, यानी कि शानदार सींग। ये जानवर लगभग 8 फीट लंबा था और इसका वजन 700 किलोग्राम था। इसमें आश्चर्य की बात ये है कि इसके सींग लगभग 12 फीट लंबे थे, जिसका औसतन वजन ही 45 किलोग्राम था। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपने सींगों का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मादा हिरण को आकर्षित करने के लिए किया करते थे। ये उत्तरी यूरोप से लेकर उत्तरी एशिया में लगभग सभी जगह पाए जाते थे, लेकिन हिमयुग से आई जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और अन्य जानवरों में जीवित रहने की प्रतिस्पर्धा ने इन्हें विलुप्त कर दिया। अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस। दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि इस धरती पर उड़ने वाले डायनासोर्स के बाद कोई भी विशाल पक्षी नहीं हुए, तो आप गलत हैं। जिस तरह जमीन पर विशाल जानवरों ने राज किया, ठीक वैसे ही आसमान में भी विशालकाय पक्षियों ने राज किया था, जो आज से लगभग 60 लाख साल पहले लेट मियोसीन यानी कि मध्य नूतन युग के अंत तक आज के दक्षिण अमेरिका में पाए जाते थे। इसके पहले जीवाश्म को अर्जेंटीना में एवियन पैलियोन्टोलॉजिस्ट कैंप बेल और टोनी द्वारा 1980 में खोजा था, जिसे कुछ वर्षों बाद नाम दिया गया अर्जेंटाविस। ये पक्षी लगभग 9 फीट लंबा था। इसके पंखों की औसत लंबाई 23 से 24 फीट तक थी और इसका वजन 90 किलोग्राम था। आपको बता दें कि आज के समय में कोई भी पक्षी जो ऊंची उड़ान भर सकता है, वो 20 किलोग्राम से अधिक वजन का नहीं है। ये पक्षी बहुत ही हिंसक पक्षियों के एक विलुप्त समूह का सदस्य था, जिसे मॉन्स्टर बर्ड भी कहा जाता है। ये पक्षी बहुत ही माहिर मास्टर ग्लाइडर थे, जो हर विपरीत परिस्थिति में भी आसानी से उड़ान भर सकते थे। इनकी उड़ान की अधिकतम गति लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये अपने पंखों को बिना फ्लैप किए सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते थे। ये इतने हिंसक पक्षी थे कि उस समय के बड़े से बड़े जानवरों पर भी हमला कर देते थे और उन्हें अधिक ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया करते थे। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इसके जीवाश्मों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि वे इनके विलुप्ति का कारण जान सके।
जाइगेंटोपिथेकस। दोस्तों जाइगेंटोपिथेकस प्लीस्टोसीन काल से मियोसीन काल के मध्य में पाया जाने वाला विलुप्त वानर प्रजाति का जीव था, जो लगभग 60 लाख साल पहले इस धरती पर पाया जाता था। यदि आप सोच रहे हैं कि ये जीव कैसा दिखता होगा, तो आपको रुडियार्ड किपलिंग की द जंगल बुक जरूर देखनी चाहिए। ये वानर 9 फीट लंबा था और इसका वजन लगभग 600 किलोग्राम हुआ करता था। ये आज के एशिया महाद्वीप में पाए जाते थे। हैरानी की बात ये है कि इसके पहले जीवाश्म रॉल्फ वॉन कोइनिग्वान द्वारा चीन की एक दवाई की दुकान में पाए गए थे। ये पूरी तरह से शाकाहारी जानवर था, जो आज के पांडा की तरह बांस खाकर जीवित रहा करता था। लेकिन हिमयुग और जलवायु परिवर्तन ने इन जानवरों को विलुप्त कर दिया। हालांकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये वानर हिमालय के पर्वतों में रह रहे हैं और इन्हें अब पौराणिक प्राणी यति या बिगफुट के नाम से पुकारा जाता है। टेरल बर्ड्स। दोस्तों यदि आपने 10,000 BC फिल्म देखी होगी, तो आपने टेरल बर्ड्स को जरूर देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मूवी है, इसमें तो कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये एकदम सच है। ये जीव कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये सच में हमारी इस धरती पर लगभग 1 करोड़ से लेकर 50 लाख साल पहले रहा करते थे। इस पक्षी को फोरोसेकस के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्षी आज के दक्षिण अमेरिका में मियोसीन पीरियड में रहा करते थे। इसके पहले जीवाश्म को 1887 में अर्जेंटीना में खोजा गया था। इस पक्षी का नाम टेरर बर्ड इसलिए रखा गया था क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसने उस वक्त के स्तनधारी जीवों के बीच आतंक मचा रखा था। ये बहुत ही खूंखार और माहिर शिकारी थे। ये लगभग 9 से 10 फीट लंबे और 150 किलोग्राम तक वजनी हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये उड़ने में असमर्थ था, लेकिन प्रकृति ने इसे धरती पर रहने के लिए एक माहिर शिकारी बनने की सारी खूबियां दी थीं। ये लगभग 48 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसका सबसे बड़ा हथियार इसकी शक्तिशाली और मजबूत चोंच थी। ये पूरी तरह से मांसाहारी पक्षी था, जिसके पैरों पर पंख और नुकीले लंबे नाखून थे, जो किसी भी प्राणी की चमड़ी को आसानी से फाड़ सकते थे। तो दोस्तों ये तो थे कुछ विलुप्त प्राणी। अगर इस वीडियो से आपका जरा सा भी नॉलेज बढ़ा हो तो लाइक करें, और हाँ, इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अपने इस चैनल अद्भुत मिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। नमस्कार।